बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स किसी भी टीचर के लिए या किसी भी एजुकेशनिस्ट के लिए ये कहना ये समझना ये जानना और सराहना आसान है और मुमकिन है कि हम इस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स लर्न डिफरेंटली एंड दे डिफर फ्राम ईच अदर अकॉर्डिंग टू द वे द लर्न लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या किसी टीचर के लिए या किसी भी एक रिसर्चर के लिए किसी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए यह इजी है ये चीज़ फाइंड आउट करना कि एक क्लास में एक जमात में जिसमें बहुत से बच्चे बैठे हैं और उसके पास लिमिटेड टाइम है और इतना ज़्यादा प्रेशर भी उसके पास है सिलेबस को कवर करने का एज़ अ टीचर या करिकुलम को कवर करने का तो वो किस हद तक इंफॉर्मेशन रियली हासिल कर सकता है या कर सकती हैं कि उसकी जमात में किस तरह के बच्चे मौजूद हैं और किस तरह लर्निंग स्टाइल्स की थेरी में मालूम का जो ख़जाना मौजूद है जिसका अल्टीमेट गोल और टारगेट ये है कि उसने उसकी एजुकेशनल प्रोसीजर को आसान बनाना है और मुफीद तर बनाना है उससे वो कैसे बेहतरीन तरीके से उसको अपना करके आगे चल सकती हैं ऑल द टाइम कंस्ट्रेंट्स तो इसमें चंद बेसिक हैं अगर वो हमारे जहन में हों तो ये सारा प्रोसीजर शायद हमारे लिए कुछ मुमकिन हो जाए वंस you have a knowledge of the learning styles that there are different types of learning styles and categories of among learners So, fill up certain questions certain ki assessment for example can be a tool to know about the learners that the type of their learning style for example simple questions in the beginning of any educational year you can ask your students kistaraki information kistaraki presentation style kopa वट वे दे वुड लाइक टू हैव द डिस्कशंस एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन द क्लासेज फॉर एग्जाम्पल क्या वो वर्ड्स से देखना ही पसंद करते हैं सिर्फ अल्फाज के ज़रिए से वर्सेस पिक्चर्स कि क्या पिक्चर्स उन्हें ज़्यादा पसंद हैं अल्फाज ज़्यादा पसंद हैं और या फिर सिर्फ ज़बानी कलामी ही गुफ्तु स्पीच के जरिए से वो समझते हैं लिखाई के जरिए से समझ पाते हैं तस्वीरों से समझते हैं सो दीज आर डिफरेंट यू नो वेज टू नो अबाउट द लर्निंग स्टाइल ऑफ़ योर स्टूडेंट इन दीन इन दिमिलर मैनर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि वॉट काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी डिफाइंड मोस्ट इंगेजिंग और एग्रीएबल फॉर एग्जाम्पल अनैलिसिस वर्सिस लिसनिंग अनैलिसिस को लिसनिंग से क्या वो खामोशी से बैठ कर लेक्चर सुने दस पंद्रह बीस मिनट एक घंटा तो उनको बात की सारी समझ अच्छे से आ जाती है या फिर उनको कुछ ऐसा एक लेक्चर का स्टाइल या गुफ्तु का स्टाइल ये पसंद है कि उनको कुछ एनालिसिस करने का मौका मिले रिफ्लेक्शन का टाइम दिया जाए डिस्कशन का टाइम दिया जाए तो किस तरह से वो काम करने के ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने आप को काम करने के आदी और ज्यादा मुफीद कौन सा तरीका होगा और आप देखिए किन में से हर एक्टिविटी का एक लिंक आपको नजर आएगा डिफरेंट तरह के लर्निंग स्टाइल के साथ डिफरेंट तरह की उन लर्निंग थेरीज को जिसमें से कुछ आप पर्सनैलिटी टाइप को देखते हो जिसमें कुछ कुछ में आप उसकी आप ये देख रहे हैं कि वो विजुअल लर्नर्स हैं या सिर्फ सुनने के और उसको तहत उसके उस सुनने के बाद समझने के आदीत हैं तो कैसे कोग्नीशन उनकी वक़ूफ़ पजीर हो रही है एक और तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप उनसे ये पूछिए कि वो खुद जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड भी की जाती है या वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दूसरों से करना चाहते हैं तो उनको अगर एक फ्री हैंड दिया जाए तो वो कौन से स्टाइल को पसंद करेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ विजुअल लर्नर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा एम्फोसाइज करेंगे कि विजुअल प्रेजेंटेशंस, इट कैन बी वीडियो इट कैन बी सम ऑफ पिक्चर्स एल्बम प्रेजेंटेशन जिसमें के या फिर ग्राफ्स को इंसर्ट करके सो so, वो हमेशा उसमें विजुअल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स कैन चेंज एंड डिवेलप एंड डू नेसेसरली स्टे दिस चैलेंज अब एक जमात में आपने कुछ स्टूडेंट्स का इब्तदाम में एक एनालिसिस कर लिया लेकिन आपको एज अ टीचर ये चीज अपने जहन में रखने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकता है और बेस्ट ये है कि स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं उनसे हम डिटर्मिन करें लेकिन किसी भी टेस्ट को हम फॉर एवर नहीं उसका रिजल्ट लेकर के चल सकते हैं कि इस बच्चे का छह साल की उम्र में टेस्ट हुआ ये स्टाइल निकला और अब फॉर द रेस्ट ऑफ और लाइफ इट्स गोइंग टू बी अंडर द सेम स्टाइल